बात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद
ذکر حسین ابن علی ہے حرف کے سانچے میں ڈھلی ہے مجلس ہے وہ آغوش ولا جس میں کیا بھائی کی شہادت کو بہن نے تیغوں کا پسانا کہا بازو کی رسن نے لفظوں کا وضو ذکر حسین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضور سلام پیش کر رہا ہوں حضرت قیس زنگی پوری علی اللہ مقامہ ہوگا صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھ لیجئے بر محمد ساقی کے مستانے نہیں جاتے کسی در پر در ساقی کے مستانے نہیں جاتے ساقی کے مستانے نہیں جاتے اندھیرا ہو تو بھولے سے بھی پروانے نہیں جاتے کسی در پر در ساقی کے مستانے نہیں جا صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے کسی در پر در ساقی کے مستانے نہیں جاتے اندھیرا ہو تو بھولے سے بھی پروانے نہیں جاتے کسی در پر
दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, दरे जन्नत पर भी पहचानने वालों का पहरा है, वहां अपने चले जाते हैं बेगाने नहीं जाते। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जा, सलवात पढ़ लिए बल मोहम्मद आल मोहम्मद। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, खुदा मुस्तफा मुर्तजा की मारिफत क्या हो, खुदा मुस्तफा मुर्तजा की मारिफत क्या हो, ये पहचानवाए तो जाते हैं पहचाने नहीं जाते, ये पहचानवाए तो जाते हैं पहचाने नहीं जाते। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, अली से बुग्ज चेहरों की नकाबें चाक करता है, अली से बुग्ज चेहरों की नकाबें चाक करता है, मुनाफिक ता कयामत वरना पहचाने नहीं जाते। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, न होता मरहला उम्मत की बख्शिश का तो फिर असगर, पदर की गोद में तीरे सितम खाने नहीं जाते। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, ये शब की ओस दिन की धूप ने चेहरे बिगाड़े हैं, असीरा ने जफा हिंदा से पहचाने नहीं जाते। किसी दर पर दरे साकी के मस्ताने नहीं जाते, मचलता है दिले नादा तो समझाता हूँ कैस अक्सर, मचलता है दिले नादा तो समझाता हूँ कैस अक्सर, के दाना करबला जाते हैं दीवाने नहीं जाते। किसी
در پر در ساقی صلوات پڑھ لیجئے بر محمد آل فاتحہ زینب کے جب زمین پا رشک قمر گرے دونوں شہید ایک جگہ خون میں تر گرے بسمل سے خاک پر ادھر اٹھے ادھر گرے بل پڑ گیا کہ بنت علی کے پسر گرے بل پڑ گیا کہ بنت علی کے پسر گرے بچوں کے ہوش عالم غش میں بجا نہ تھے پر ننے ننے ہاتھوں سے قبضے جدا نہ تھے پر ننے ننے ہاتھوں سے قبضے جدا نہ تھے حضرت سے عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے حضور پھوپے جان کے پسر رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے ہی یہ خبر فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے کو عباس بچوں کے لاشیں اٹھا عباس بچوں کے لاشیں اٹھانے کو عباس بچوں کے لاشیں اٹھانے کو یہ کہہ کے ننگے پاؤں چلے شاہ زیوقار نیزہ اٹھا اٹھا کے لگے رکنے سوا اکبر نے تیغ میان سے لی بہر کارزا بڑھ کر پکارے حضرت عباس نامدار بڑھ کر پکارے حضرت عباس نامدار شیروں کے منہ پاتے ہو کیا بے شعور ہو بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور ہو بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور ہو گونجا جو شیر خوف سے پسپا ہوئے نہیں ریتی پہ لوٹتے نظر آئے وہ میں جبھی لاشوں کے گرد پھر کے پکارے امام دی اے بھان جو ہم آئے ہیں تم کو خبر نہیں اے بھان جو ہم آئے ہیں تم کو خبر نہیں جھک جاؤ ہاتھ باندھ کے تسلیم کے لیے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے لیے شیرو اٹھو حسین کی
तादीम के लिए आवाज सुन के होश में आए वो गुलज़ार, हजरत लिपट लिपट के पुकारे के मैं निसार, तड़पो न दम बदम के मेरा दिल है बेकरार, अरे मर जाएगा हुसैन करा हो ना बार बार, मर जाएगा हुसैन करा हो ना बार बार, बाली पा कौन है किसे फिर के ताते हो, क्यों नन्ने नन्ने हाथों को दे दे पटकते हो, क्यों नन्ने नन्ने हाथों को दे दे पटकते हो, दोनों ने हाथ छाती पा रखे के यहाँ है दम, रुखसत है मामू जान चले अब जहाँ से हम, रोते हैं मामू जान सरा ने बदर दो गम, दादा गले लगाते हैं सब जोश का कलाम समझिए। और मेरा ख्याल ये है कि ये कलाम इससे पहले आप में से शायद ही किसी ने सुना हो सिवाय आपके। आप कहते हैं कि अल्लाह को बंदे पहचान और बेगाना है इंसान से अब तक इंसान, इस जहालत में कहाँ इल्मे खुदा का इम्कान, शर्त अव्वल है के हासिल हो बशर का इरफान, जिक्र भी आप न अल्लाह का लिल्लाह करें, फकत इंसान से इंसान को आगाह करें, क्या कहने, दोस्त अपना है तो इंसान के दामन को न छोड़, हाँ इसी हबले मती की तरफ इदराक को मोड़, दिल तो दिल है किसी पत्थर को भी झुंझला के न तो, कि ये अंदाज है अल्लाह की वहदत का निचोड़, गो कबाहत है बड़ी काफिर यजना होना, इससे बदतर है मगर काफिर इंसान होना, क्या कहने हुजूर, इससे बदतर है मगर काफिर इंसान होना, फिर तो खुल जाएगी ये बात कि बेहुब्बे अनाम, न विलायत न इमामत न रिसालत न पयाम,
दिल है बेसोज तो मोहमल है तवाफो एहराम, सबसे बेहतर अमले खैर है तीमार अबाम, उनको सरकार रिसालत के पयाम आते हैं, जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं, जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। एक दूर पढ़िए, अपने प्यारों की मोहब्बत है मिजाज इंसान, आप भी अपने रफीकों पर हैं गौहर अफशान, आप भी अपने रफीकों पर हैं गौहर अफशान, दिल से था शिमर भी अपने रुफका पर कुर्बान, आप और शिमर है इस सतह पर बिल्कुल यकसा, क्या कहने, आप और शिमर है इस सतह पर बिल्कुल यकसान, हाँ जो दिल में चमने हुब्बे उदू खिल जाए, आपको सत्ते हुसैन इब्ने अली मिल जाए, आपको सत्ते हुसैन इब्ने अली मिल जाए, तलख कामों को पिलाता है जो आबे शीरीं, तलख कामों को पिलाता है जो आबे शीरीं, बख्शता है किसी मुजतर को जो कैफे तमकी, उम्र भर खिदमत इंसान से जो थकता ही नहीं, उसकी सरकार में खुद अर्श झुकाता है जबी, उसकी सरकार में खुद अर्श झुकाता है जबी, अपने जानों पर जो दुखिया को सुला लेता है उसको अल्लाह कलेजे से लगा लेता है, उसको अल्लाह कलेजे से लगा लेता है। दुरूद पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जिसकी हर सांस है एक वलवले खैर अनाम, नींद जिसकी हो गरीबों की मोहब्बत में हराम, जादे खिदमत इंसान पहो जो गर्म खराम, उस उलूही बशरियत पर दुरूद और सलाम, दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद,
حامل آج الوہیت انسان تھے حسین حامل آج الوہیت انسان تھے حسین ہاں اسی جادہ خدمت پہ خراماں تھے حسین قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے داد احسان کی جو ملتی تھی تو شرماتے تھے تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین کیا کہیں دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہو ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں المعلن الحق بالحق
القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات خالق دین حال کی یہ چوتھی تقریر ہے اور ان تقریروں میں جو اب تک ہو چکی ہیں اپنی صلاحیت و استعداد کے متعلق میں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہاں تک اس عنوان پر اس موضوع پر کہا گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ کبھی گفتگو کے وقت دعوی حمادانی یا حماگیری یا سارے سبجیکٹ پر پورے موضوع پر احاطے کی گفتگو کبھی نہیں کی گئی وہ تو سننے والوں کا فریضہ ہے کہ اپنے حسب منشا حسب ہمت حسب استعداد اپنی فکر سے کام لیں عنوان اہم ہے اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے پہلی تقریر اور دوسری تقریر میں عرض کیا گیا کہ انسان کے لیے ایک مستقل دشمنی کا گوشہ ہے انسان کا ایک ایسا پہلو بھی ہے زندگی کا کہ جہاں خارجی یا داخلی اعتبار سے مسلسل مزاحمت ہو رہی ہے اور اتباع ہوا اور طول عمل کے نام سے انسان مسلسل اپنی تباہیوں کو دعوت دے رہا ہے اور پھر یہ کہ دین و دیانت کے وضع شدہ اصطلاحات کے اعتبار سے ایک خاص قوت ہے جس کا نام شیطان ہے اس نے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا جیسا کہ سورہ ہجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ربی بما اغویتنی لأزینّنہم فی الارض پروردگار تو نے مجھے بہکایا ہے اور چونکہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے یعنی شیطان اپنے سجدہ نہ کرنے کو بھی یہ چاہتا ہے خدا ہی کی مرضی بتلائے یعنی وہ بھی جبر کا قائل ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اسی لیے نہیں کیا کہ اس کی مرضی یہ تھی ربی بما اغویتنی پروردگار چونکہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا اور میرا اغوا کیا لأزینّنہم فی الارض میں اب انسانوں کے لیے ان کی بری صلاحیتوں کو دنیا میں زینت عطا کروں گا
यानी उनके बुरे काम भी अच्छे होकर उनके सामने आएंगे, उनको अच्छा बनाया जाएगा। लउज़य्यिनन लहुम फिल अर्ज़ वलउग़वियन्नहुम अजमईन, में उन सबको बहकाऊंगा। मैंने पहली और दूसरी तकरीर में यह अर्ज किया है कि अब ये खारिजी वजूद हो के खुद दाखिली नफ्स अम्मारा की कैफियत जो कुछ भी सही मगर एक ताकत है, और कुरान ने यह कहा है कि बहुत पहले इसने दावा किया है कि मैं बहकाऊंगा, मगर अमीरुल मोमिनीन की फिक्र कुछ और है। अमीरुल मोमिनीन ने इस सिलसिले में यह इरशाद फरमाया है कि यह जो उसका दावा है शैतान का, इरशाद फरमाते हैं, जुमले याद रखिए, कज़ फन बे गए बिन बईद वो रज मन बे जन निन गैरो मुसीब, यानी शैतान ने गैब बईद को तो दूर की बात को इस तरह से बयान किया कि सही माना में गोया किसी दीवाने की बात थी या जैसे किसी मजसूब की बकवास थी या कोई किब्र और गुरूर से भरा हुआ आदमी बे अख्तियार नादानी की जैसे बातें करता है उस तरह की बातें थी। वो गैबे बईद को क्या जानता था कि मैं सबको बहकाऊंगा। बहुत गौर से, कज़ फन बे गैबिन बईदिन वो रजमन बे जन्निन गैरो मुसीब, एक ऐसा तखमीना था जो सही नहीं था मगर उसने अंधेरे में एक तीर छोड़ दिया और यह समझा के निशाने पे लग गया। जब आदमी गुस्से में झल्ला जाता है तो इसी किस्म की बातें करता है कि देख अब मैं भी यूं करूंगा, तो उसने भी अजल में या उसने भी वक्त खिलकत आदम यही हरकत की, यानी वो गैब को नहीं जानता था, उसका तखमीना सही नहीं था, उसकी एक बढ़ थी, उसकी एक दीवानगी थी, गुस्से में भरा हुआ था, मलाइका के सामने उसको हुक्म मिला था कि छोड़ दे जन्नत को और ऐसे में बेख्तियार वो पलट पड़ा, मगर सबको बहका। याद फरमाते हैं कि बगैर निशाने के एक तीर चल गया, वलाकिन उसने तो बकवास की, वलाकिन सद्दकहू बही अबनाउल हमिया व इख्वानुल असबिया व फुरसानुल जाहिलिया, लेकिन जाहिलियत वालों ने, असबियत वालों ने, खबीला परवरी करने वालों ने, किब्र इस्तबदाद करने वालों ने उसकी बात की तस्दीक कर दी। आपने देखा उसने तो एक तीर चलाया था अंधेरे, वलाकिन सद्दकहू बही अबनाउल हमिया व इख्वानुल असबिया व फुरसानुल जाहिलिया, जाहिलियत में मुब्तला इंसानों ने, असबियत के मारे हुए इंसानों ने उसकी तस्दीक कर दी और कहा हाँ हाँ हमारा अमल भी यही है, घबराना नहीं, तूने जो कुछ कहा है उसको हम सच कर दिखाएंगे। तो अब देखना यह कि उसके कहने पर तुमसे अजाब हटा लिया जाएगा और सब अजाब उसी पर होगा, या तुम्हारी इस इयानत से तुम भी जिम्मेदार हो रहे हो। यानी उसकी जो तस्दीक की, अपने अमल से तस्दीक की, वो तो कज़फन बे गैबिन बईद व रजमन बे जन्निन गैरो मुसीब था, उसको क्या खबर थी कि कैसे कैसे पैदा होने वाले हैं, कौन कौन इंसान आने वाले हैं, उसको क्या खबर थी कि कितनी हिम्मत वाले आएंगे, किस तरह से खुदाई का मुकाबला करेंगे, उसको क्या खबर थी कि कौन किस मंजिल पे जाके शिर्क करने वाला है। फकत एक सजदे से इनकार करके उसने ये कहा कि मैं तो एक का कायल हूं, दो का कायल नहीं हूं, मैं तो तौहीद को जानता हूं, मैं तुझको सजदा करता हूं, किसी और को सजदा नहीं करता, उसने यही कहा था।
मगर जब सजदे उसने माबूद को किए थे तो कई हजार बरस सजदे किए थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि 6000 नूरी बरस शैतान ने बंदगी की है, नूरी साल लाइट ईयर्स, ये 365 दिन का एक साल नहीं बल्कि वो एक साल जहां 7 मिनट में 9,20,00,000 मील की रफ्तार के अरसे को तय करती है शुआए नूर, वो लाइट ईयर, उस लाइट ईयर के साथ 6000 बरस बंदगी की। और गया शैतान मारा तो अब ऐसी सूरत अगर नीयत को देखा जाए तो नीयत बुरी नहीं मालूम होती बजाहिर, कि तुझे बंदगी करने वाला किसी और को सजदा कैसे करे, मगर दिलों का जानने वाला जान रहा था कि मकसद ये नहीं है, मकसद ये नहीं है, मकसद अदम इताअत इलाही है, अदम इबादत है। और जहां इताअत इबादत से इनकार हो गया वहां तस्किया नफ्स खत्म हो गया, वहां नफ्स में तहारत बाकी न रही। इसलिए इरशाद हुआ, अब यह सूरह नूर है, सूरह नूर कुरान मजीद का 24वां सूरह है, यह उसकी 21वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान, ऐ साहिबान ईमान शैतान के वसवसों की पैरवी न करो। वह मैं यत्तबे खुतवाति शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फहशाए वल मुनकर, और जो शैतान के वसवसे की पैरवी करता है तो वो उसको बुराई की तरफ डाल देता है, वो उसको गलतकारी की तरफ डाल देता है, वो उसको सही रास्ते से हटा देता है। लौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, अगर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल तुम्हारे शामिल हाल न होता तो तुम में से एक के नफ्स का भी तस्किया न हो सकता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, लेकिन खुदा जिसका तस्किया नफ्स चाहता है उसका तस्किया नफ्स फरमाता है, वो वसअत वाला है और अलीम है। ये सूरह नूर की आयत है, यानी तस्किया नफ्स को ज़ाते वाजिब ने अपनी ज़ाते गिरामी से मंसूब किया कि इंसानों के नफूस का तस्किया हम करते हैं। बहुत गौर से सुनिए, इसको अपनी तरफ मंसूब किया, दूसरी तरफ नबी को भेजा और कहा तुम जाओ तुम्हारा काम यह है, यतलू अलैहिम आयातही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो आयतों की तिलावत करता है, नुफूस इंसानी का तस्किया करता है। तो अब आपने देखा कि मर्जी इलाही ये है कि जिद्द शैतान पर नफ्स इंसानी का तस्किया हो, मगर यह कि तस्किए के लिए यह लाजिम है कि फर्द सामने हो, इंसान सामने हो, गैब से तस्किया नहीं किया जाता। गुफ्तगू अहम हो रही है, गैब से तो बहकाया जा सकता है मगर तस्किए के लिए यह जरूरत है कि कोई सामने रहे, सिखाए, तरबियत करे, उसका असर हो और उस तरबियत के बाद वो अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करे। ऐसे में अपनी जात से मंसूब करते हुए इस तस्किया नफ्स की कैफियत को कि हम बंदों के नफूस का तस्किया करते हैं, फिर खत्मी मर्तबत को इसका जिम्मेदार करार दिया कि तुम जाओ और तस्किया करो। खत्मी मर्तबत आए, उन्होंने राहें बतलाई, नेकी की राहें बतलाई, और यह बतलाया
कि ये पाक है, ये नापाक है, ये नजिस है, ये ताहिर है, ये हलाल है, ये हराम है, ये मुस्तहिब है, ये मकरूह है, ये फर्ज है, ये खैर है, ये शर है, ये नेक है, ये बद है। और उसके बाद ये कहा कि ये शरीयत है, और उसके साथ ये इरशाद हुआ कि अब इस शरीयत पर अमल करना, अपने हवा व हवस को छोड़कर तस्किया नफ्स के लिए लाजिम है। बहुत गौर से सुनिए, पैगंबर ने कुछ उसूल दिए, कुछ फुरू दिए। आज दुनिया की कोई ताकत ऐसी है जो पैगंबर के इरशादात में अक्ल के एतबार से कोई ऐसा पहलू निकाले कि यह पहलू कमजोर पड़ गया, यह इस्लाम का हुक्म कमजोर पड़ गया, यह इस्लाम का हुक्म हमारी तरक्की के हाइल हो गया, अगर यह इस्लाम न होता तो हम तरक्की कर लेते, कोई कहीं कोई अमर है। प्लेन टॉकिंग, जरा वजाहत से गुफ्तगू, नौजवान जमा है, आवाज दूर दूर तक जा रही है। हुक्म दिया पैगंबर ने कि किसी की परस्तिश न करो बजुस एक खुदा के, क्या बुराई है इस हुक्म में? इस हुक्म में क्या बुराई है? नजासतों को हटाया, इंसान के दिल में जो कदम कदम पे डर जम बैठ रहा था कि बिजली का डर, बादल का डर, बारिश का डर, बड़े सांप का डर, किसी दरिंदे का डर, बड़े दरख्त का डर, सारे खौफ निकाल दिए, एक का तसव्वुर और एक पर ईमान पैदा करके ये कहा कि अगर हर एक से डरते रहोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो तौहीद तो इंसान के लिए नुस्खाए जिंदगी है। तौहीद में क्या बुराई है? नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। दूसरा मसला यह था कि कतनी मर्तबत ने यह कहा कि उसकी तरफ से रसूल आए, तो कोई उसको डिनाई कर सकता है? नेक इंसानों के वजूद को डिनाई कर सकता है? सुलहा के रहबरों के वजूद को कोई इनकार कर सकता है उनका? किसी ने इनकार नहीं किया, उसमें कोई बुराई समझ में नहीं आई। पैगंबर आए और कहा देखो बुरी रस्मों को छोड़ दो, जिंदा अपनी औलाद को दफन कर दिया करते थे। और आयत कुरान में अजीब, अम युमसिकुहू अलाहूनिन औ यदुस्सुहू फित्तुराब, जब बच्ची पैदा होती तो ये कहते क्या जिल्लत में बसर करके इसको रख लूं या मिट्टी में दाब दूं? सूरह नहल, हम युमसिकुहू अलाहूनिन औ यदुस्सुहू फित्तुराब, वो दिनों ये सोचता था और सबसे मुंह छिपाते फिरता था कि लड़की पैदा हुई, हुक्म दिया कि खबरदार आइंदा से कोई औलाद को दफन न करे, इसमें क्या बुराई थी? हुक्म दिया कि ये लहम खिंजीर रखाओ, हुक्म दिया कि शराब न पियो, हुक्म दिया कि जुआ न खेलो, हुक्म दिया कि गलत तरीके से माल जमा ना करो, इसमें क्या खराबियां थी कि जब इंसान ये कहे कि ये अहकाम दिए हैं इससे हमारी तरक्कियां रुक गईं? आखिर शरीयत का कोई हुक्म आप बतला सकते हैं कि जहां आप बैठकर ये कहें कि इस वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते? उमूमन ये एक गलत फहमी में मुब्तला है जमाना कि मजहब इंसान को तरक्की से रोक देता है। नहीं, मजहब तो नफ्स का तस्किया करता है, नफ्स को ताहिर करता है, नफ्स को पाक करता है। अब रहा तरक्कियां करने वालों ने अगरचे जमानो मकान के रिश्तों को अब कता करना शुरू किया है, अगरचे उन्होंने अब नवामी से कुदरत पर काबू पा लिया है, अगरचे उन्होंने जमीन की खाक छान दी है और हवाओं पर तैरान शुरू किया है, मगर इन सारी चीजों के बावजूद सिर्फ एक बात, अगर ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी राहतों का इंतजाम कर लिया तो कब तक? कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जहां मौत आई सारे ये राहतों के वसीले बेकार हो गए। ये बर्क और भाप की कुव्वत पर नाश करने वाले उसी वक्त तक नाश कर सकते हैं जब तक कि ये सांस चल रही है,
और बेदीनी की इस कुव्वत के बावजूद यही नहीं बतला सकते हैं कि क्या अपने इरादे से आए, क्या अपने इरादे से जाएंगे। नहीं, आए जरूर। अजीब और गरीब बात है, आए जरूर, अपने वजूद का इनकार नहीं है। तो जिसके इरादे से आए हैं उसी के इरादे पर जाना है, और जिसके इरादे पर जाना है उसी के सामने पेश होना है, और जिसके सामने पेश होना है वही पूछेगा कि हमारा मकसद क्या था और तुमने क्या किया। ये गुफ्तगु इस मकाम पर इसलिए जरूरी है कि अगर खत्मी मर्तबत के अहकाम शरीयत को कोई बनजरे गायर देखे तो यकीनन उसको किसी हुक्म में भी कोई ऐसी कमजोरी नजर नहीं आएगी कि जहां वो ये कहे कि अगर ये बात ना होती तो इस्लाम बहुत तरक्की करता। वो गलत है, फिजा गलत, माहौल गलत, हमसाया गलत, रफीक गलत, साथी गलत, तरबियत गलत, और उसी तमाम गलत माहौल का यह नतीजा है कि मजहब के मुतालिक यह राय कायम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि जब तक जियो इस अपने नफ्स को पाक रखो ताकि तुम्हारी औलाद तुमको जब याद करे तो उस तस्किया नफ्स का ख्याल रखे कि हमारे पदर गिरामी का यह हाल था, और तुम्हारी नस्लों में जब तुम्हारा जिक्र आए तो तहारत नफ्स के साथ आए। वरना जहां तस्किया नफ्स न था, अब उनकी औलाद के सामने जब उनके दादा परदादा का नाम लिया जाता है तो न फकत शर्मिंदा होते हैं बल्कि बिगड़ते हैं कि नाम लिया क्यों, बिगड़ते हैं कि ये नाम लिया क्यों। अरे मजबूरी सी मजबूरी है, मजबूरी सी मजबूरी है। वो कहते हैं क्यों नाम लिया, क्यों नाम लिया। अजीब बात है, आदमी अगर मुशरिक है मुवहिद हो जाए, काफिर है मोमिन हो जाए, ब्राह्मण था मुसलमान हो गया, तो फिर भी ये कह सकते हैं कि देखिए कितनी जुरत है कि वो ब्राह्मण था मगर मुसलमान हो गया और उसके बाद अपनी तहारत का उसने इंतजाम किया। ये वाकई जुरत किरदार है। इकबाल इस पर नाज करते हैं कि उनके दादा परदादा कश्मीर के ब्राह्मण थे मगर अगर हमारा आमाल नामा सियाह रहे और बावजूद मुसलमान होने के अगर हम में इतनी खामियां हो कि हमारी औलाद हमारे तस्करे में शर्मा जाए तो हैफ है, हैफ है। और फिर ये कि मुसलमान इस एतबार से कि मुस्लिम घराने में पैदा हुए मगर एतराज पर एतराज हमेशा करते रहे कि यह दीन किस काम का है, हालांकि कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। मदरसे में किताबें गौर से पढ़ी मगर कभी शरीयत के अहकाम पे गौर करने की कोशिश नहीं की कि आखिर जिसको शरीयत कबाहत बतला रही है उसमें नेकी का पहलू क्या है, क्या पहलू है नेकी का, क्या अच्छाई है। जिसको शरीयत बुरा कहे उसमें अच्छाई क्या है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, तवज्जो, यह जरूरी हो जाता है कि हज़्ब इस्तेदाद हर शख्सियत जुज़ई, हर वो नफ्स जो अपने आप को मैं कह रहा है अपने आईने शख्सियत से जंग को दूर करके साहिब शरीयत की तरफ अपने को मुतवज्जे कर दे। अगरचे बज़ाहिर वो दुनिया में नहीं और 11 हिजरी में उन्हें इंतकाल फरमा गए मगर उनका नूर बएतबार तकवीन भी दरख्शां है, बएतबार तशरीह भी दरख्शां है। और जब तक तुम कलेमा पढ़ते रहोगे आफ्ताब रिसालत बराबर चमकता रहेगा। इसलिए लाजिम ये है कि ये मैं का रुख, इस मैं का रुख मोहम्मद अरबी की तरफ रहे। तस्किया नफ्स पर गुफ्तगू हो रही है, इस मैं का रुख उधर रहे ताकि जितना इंसान कबूल कर सके उतना तो तस्किया हो, और जहां तक कबूल करता जाएगा तजल्ली बढ़ती जाएगी,
तजल्ली वक्ती नहीं होगी, मुमकिन है नस्लों तक बाकी रह जाए। कुछ बंदगाओं ने खुदा ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने रुख हयात को इतना इतना मुतवज्जह कर दिया था उस आईने मुहम्मदी की तरफ, इतना मुतवज्जह कर दिया था कि पूरा आईना, पूरी जात, पूरी शख्सियत, पूरा अनाव तस्वीर मुहम्मद को अपने में लिए हुए था। इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया था कि मुहम्मद ये हैं या मुहम्मद ये हैं। इसलिए कहा अव्वल ना मुहम्मद, औसत ना मुहम्मद, आखिर ना मुहम्मद, कुल ना मुहम्मद। ये गुलू नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये हकीकतें हैं कि इस तरह से उन्होंने अपने रुख़े हयात को मुतवज्जह कर दिया था ज़ाते ख़त्मी मर्तबत की तरफ कि बेसाख्ता, अगर मैं कहूं तो गुलू है, बेसाख्ता ख़त्मी मर्तबत में कहा आना मिन का वो अंता मिन्नी, तू मुझसे है मैं तुझसे, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। इसलिए अब जहां नफ्स रसूल को जाना हो, जहां नफ्स रसूल को जाना हो, और जब आयत आ जाए ला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, सिवा अपने नफ्स के किसी और को तकलीफ में मुब्तला न करना, किसी और को जहमत न देना, वरना कयामत तक ये नाश करते रहेंगे, हमने ये मदद की पैगंबर की, हमने ये मदद की पैगंबर। खबरदार, सिवा अपने नफ्स के किसी को जहमत न देना। इसलिए बद्र हो या उहद, खैबर हो या खंदक, या यहां तक के सूरह बरात की आयतों को भेजना हो तो उसी को चुन लो जिसके आईने में तुम जगमगा रहे हो। तस्किया नफ्स का यह आलम था, तहारत नफ्स का यह आलम था, और इस तहारत नफ्स की कैफियत में अगर पैगंबर नूर है, नूर है, और असलाब अंबिया में नूर है, अरहाम मुतहरात में नूर है, तो वो हस्तियां कि जिनका रुख हयात पैगंबर की तरफ था और जो मुसलसल अपनी आंखों में तस्वीर पैगंबर को लिए हुए थे, अपने दिल में तस्वीर पैगंबर को लिए हुए थे, उनका मकाम भी यही था कि अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिका वल अरहाम मुतहरा लम तुनजिस कल जाहिलियत बिअंजा से, मैं गवाही देता हूं कि तू भी असलाब शामिका में नूर था, तू भी अरहाम मुतहरा में नूर था, तेरी दामन इफ्फत और तहारत को कभी नजासत ने मस नहीं किया। गुफ्तगु इस मंजिल पर आती है तो कभी कभी यह ख्याल होता है कि अजनबी सुनने वाले मुबालगा न समझें, गुलू न समझें, इसको हद से गुजर जाना न समझें, कहीं यह न समझें कि तसव्वुफ की बातें हो रही हैं, कहीं ये ना समझे कि जज्ब की कैफियत तारी है, ऐसी नहीं, ये हकायक, ये हकायक है और कुरानी हकायक है, कुरानी हकायक है। अब सिर्फ इतना ही है कि मजमा पढ़ा लिखा है, मजलिसें सुनते सुनते, तकरीरों को जब्त करते करते, ये सब कुछ जानते हैं, बोलने वाले का सिर्फ इतना काम होता है कि वो जरा सा हाफिजे को ब्रशअप कर दे, जरा सा हाफिजे को ताजा कर दे कि देखिए सिलसिला याद रहे, फिक्र का तसलसल याद रहे, अब यहां पर यूं सोचना चाहिए, यहां पर ये गुफ्तगु करना चाहिए, यह हुसैनी दरसगाह है, बातें इसी किस्म की यहां होती हैं। अगर आयात पर गुफ्तगु छिड़ जाए तो कभी कभी बात अहबाब को इस उम्र का ख्याल होता है कि कुरान के हवाले वो क्यों दें,
वो क्यों दें जो कुरान ही पर एतमाद न रखें, ईमान न रखें, भरोसा न रखें। इस किस्म की बातों के बाद अफराद आती हैं। और मेरी एक आदत यह है कि मैं हर एक के करम नामे को महफूज कर लेता हूँ, चाहता हूँ कि उससे इस्तेफादा करूँ, मगर वो मुकातबत जो गुमनाम हो और वो खत जिसमें सिर्फ ये लिख के खामोश हो जाए कोई के नामा निगार, तो अगर नामा निगार ये समझता है कि मैं ऐसे हर खत का जवाब दूंगा तो बड़ी गलती होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि नामा निगार अगर जुरअत किरदार रखता है तो नाम लिखे, और नाम लिख के ये भी लिखे कि मैं इन किताबों को मानता हूँ, तो उसकी खिदमत की जाए। के लिए एक मसले को तय होना चाहिए, और वो ये है कि मुहर्रम की मजलिसों में हम एक उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, और उस उन्वान पर गुफ्तगू से मकसद किसी की दिलाजारी नहीं है, अपनी मारिफत है, अपने इल्म की ज्यादती है, अपनी मसाइल शनासी है, और सही माना में हम अपनी कुछ आकिबत का भी इंतजाम कर रहे हैं। करम है कि कोई सुनने वाला आए, उसको सुने और करे, और उससे बड़ा करम यह है कि वाकई अगर कोई मकाम सहो से नफियान से नहीं अमदन अदा हो गया है तो उसका बतला देना, मुतनब्बह करना बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कि इंतहाई नादानी के साथ गुस्से के आलम में यह बतलाते हुए कि जब आप कुरान को नहीं मानते हैं तो कुरान से इस्तदलाल क्यों करते हैं, अब इस बहस में कि आप कुरान को नहीं मानते हैं इसलिए इतने हवाले भी दे दिए गए और फिर आखिर में नाम नहीं लिखा गया। खैर, नाम न लिखा जाए ठीक है, मगर हमेशा लिखने वाले अपने मकतबे फिक्ही को बतला दिया करें। मेरी बातों को समझ, अपने मकतबे फिक्ही को बतला दिया करें कि देखिए मेरा मकतबे फिक्ही है, मैं जाफरी हूं, मैं हम्बली हूं, मैं शाफई हूं, मैं मालिकी हूं, मैं सूफी हूं, कुछ ना कुछ बतला दे। तो उसमें आराम यह होता है कि जिस मकतब फिक्री से वो मुताल्लिक है या जिस मकतब फिक्र से वो मुताल्लिक है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो मुताल्लिक है, उसको उस स्कूल ऑफ थॉट के मोतबर असनाद से कायल किया जाए, गुफ्तगू की जाए, उससे इस्तेफादा किया जाए या समझाने की कोशिश की जाए। मगर हमारी मुसीबत यह होती है कि जब लिखने वाला अपने आप को एक्सपोज नहीं करता कि खुद उसका ताल्लुक किस मकतब फिक्र से है, तो अब हम जिस किताब से गुफ्तगू करेंगे वो कहेगा हम तो इसको नहीं मानते, भाई ये इत्कान सुयूती है, इसमें कुरान के मुतालिक ये गुफ्तगू है नहीं मानते, ये दुर्रे मंशूर है नहीं मानते, ये तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी है इन वजूहात के बिना पे नहीं मानते, ये तफसीर कशाफ है नहीं वो शाफी थे हम इसलिए नहीं मानते, ये मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी हैं का ये मुहद्दिस थे हम तो फकीह को मानते हैं मुहद्दिस को नहीं मानते। तो अब हमारे लिए बड़ी हैरानी ये होती है कि हम बात किससे कर रहे हैं, पेशे तबीब मुल्ला, पेशे मुल्ला तबीब, पेशे हीच हर दो, पीछे हर दो हीच। हमारे लिए
बड़ी तकलीफ ये हो जाती है कि जब किसी बात के मुतालिक हैं तो यही कहा जाए कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम उस किताब को मानते हैं। तो अब एक ऐसा वक्त आ चुका है, एक ऐसा मोमेंट आ चुका है हमारी फिक्र में कि हमको किताबों की फेहरिस्त मिलनी चाहिए, किसी तरफ से हो एक किताबों की फेहरिस्त मिलनी चाहिए कि ये बेहतरीन अथॉरिटी ये किताबें, ताकि हम उससे इस्तेफादा करें, खुद हम इस्तेफादा करें, खुद हम इस्तेफादा करें। कल की तकरीर में पटेल पार्क में मैं आपको बतलाऊंगा कि हम इल्म की बहस में कितना इस्तेफादा कर रहे हैं सही बुखारी शरीफ से, उसकी किताबुल इल्म से कितना इस्तेफादा कर रहे हैं कल आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से हमने कभी यह नहीं किया कि हमें खास मकतबे फिकी से ताल्लुक रखने की वजह से किसी खास किताब से हम इस्तेफादा करते नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से भी हमने कुछ इस्तेफादा किया है, हमने अल्लामा तंतावी से भी इस्तेफादा किया है, हम इमाम फखरुद्दीन राजी और कशाफ से भी हम इस्तेफादा करते हैं, हम शेख मुहियुद्दीन अरबी से भी इस्तेफादा करते हैं, मगर यह कि आकर हमको मालूम हो जाए कि दुनिया इनको मानने को तैयार है कि नहीं। आपने देखा, अगर यहां तक गुफ्तगू समझ में आई तो यह है सामने कशाफ, और कशाफ का मुसन्निफ है हजरत जारल्लाह ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका एहसान है अदब अरब पर, इससे बेहतर कोई तफसीर नहीं लिखी गई आलम इस्लाम, और इस तफसीर कशाफ 42वें सूरे की तफसीर करते हुए सूरह शूरा की जब आए मवद्दत पर बहस छिड़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो 7 हदीसें पाए हम साहेब कशाफ ने नकल की, अला व ममात अला हुब्बे आला मुहम्मदिन मात शहीदा, अला व ममात अला हुब्बे आला मुहम्मदिन मात तायबा, अला व ममात अला हुब्बे आला मुहम्मदिन मौतहु मौतुल अंबिया, अला व ममात अला हुब्बे आला मुहम्मदिन मात कमन वुलदा मिन बतन उम्मे, अला व ममात मुहम्मदिन माता मगफूरा, आगा हो जाओ जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो तौबा किया हुआ मरता है, मगफूर मरता है, गुनाहों से दूर मरता है, अंबिया की मौत मरता है, और ये वो होता है कि जिस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, ये साहेब कशाफ है। और उसके बाद एक मरतबा शेख मुहियुद्दीन अरबी ने इजाफा कर दिया और उसके बाद एक जुमला उसने बढ़ा दिया, अला व ममात अला बग्ज आला मुहम्मद माता काफिरा। मैंने गुफ्तगू आज की हद तक खत्म की। मैं सिर्फ क्या चाहता था, मैं सिर्फ यह चाहता था, और खालिद दीन हाल की तकरीरों में जहां तक मुझे इल्म है यकीनन 14 बरस गुजर चुके, ये 15वां साल, मालूम नहीं कितनी मर्तबा मैंने यहां से यह आवाज बुलंद की है कि सवाल इसका नहीं है कि कौन सुन्नी है कौन शिया है, सवाल इसका नहीं है कि कौन हनफी है कौन शाफी है, सवाल फकत इसका है कि आले मोहम्मद का दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। इनकी दोस्ती से हासिल क्या है, इनकी दोस्ती से हासिल यही है कि इनका रुख हयात मोहम्मद की तरफ, इनकी फजीलत यह है, इनका कमाल यह है कि यह परवरद आगोश रिसालत, ये वो है कि जिन्होंने रसूल की गोद में तरबियत पाई है, जिन्होंने रसूल के कांधे पर कदम रखे, ये वो है कि जिनके बचपन में रसूल इनको गोद में लेके निकलते और मदीने वाले पूछते अल्लाह के रसूल आज अबा के नीचे आप कुछ लेके आए हैं क्या बात है, तो अबा का दामन उलटते और कहते ये मेरा नवासा है, कैसी अच्छी सूरत है, क्या चांद सा चेहरा है, क्या मुस्कुरा रहा है, तुमने देखा, तुम इसको दोस्त रखते हो, और इसी तरह से बुलंद किया और कहा खुदावंदा तू उसको दोस्त रख जो इसको दोस्त रख, खुदावंदा तू उसको दुश्मन रख जो इसको दुश्मन रख,
खुदावंदा तू उसको जलील कर दे जो इसको जलील करे, खुदावंदा तू उसकी नुसरत न फरमा जो इसकी नुसरत न करे। सारे मुहद्दिसीन ने लिखा इन दुआओं में हुसैन परवान चढ़ गए। अजब नहीं कि वो सिन भी हुसैन इब्ने अली को अता हुआ नाना की जिंदगी में कि 8 बरस के थे जब इंतकाल हुआ है रसूल का, और फिर इमामत का हाफिजा। एक एक बात याद, बचपना भी याद था, ये भी याद था कि कभी नाना की उंगलियां चूसा करते थे, कभी नाना की जबान चूसते थे, कभी नाना जब खुतबे के दौरान में मिंबर पर होते और ये मस्जिद में जाते और कुर्ते में अगर पांव उलझ जाता और गिर पड़ते तो नाना खुतबे को रोक के मस्जिद से दौड़ते हुए आते, गोद में उठाते और पेशानी के जख्म को आस्तीन से साफ करते और रोते जाते। क्या ये सब बातें याद नहीं थी? अब इस हुसैन पे क्या गुजरती होगी जब ये हुसैन ने देखा होगा कि ये बदर नहीं है, ये ओहद नहीं है, ये खैबर नहीं है, ये मुखालिफीन नहीं है, ये बदर नहीं है, ओहद नहीं है, ये खैबर नहीं है, खंदक नहीं है, ये करबला है। करबला दोनों तरफ से अज़ा हो रही है। और ऐसे में हुसैन आवाज दे रहे हैं अमा मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है मेरी मदद करने वाला, कोई है मेरी आवाज पे लब्बैक कहने वाला। ये आवाज आज तक आ रही है, कयामत तक ये आवाज जाती रहेगी। दुनिया माने या न माने, अला व इन्नल्लाह जाला लखैरिन अहला। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं आगाह हो जाओ कि अल्लाह ने खैर के लिए हमेशा अहल को पैदा करने का इंतजाम किया है। सारी दुनिया भी अगर काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, बेदीन हो जाए, ना खुदा शनास हो जाए, तो यकीनन इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा रहेगा कि जिसकी जबान से कलमा हक निकलता रहेगा, और जो बराबर अपनी तन्हाई में अपनी अनजोन में कहता रहेगा कि हुसैन हक आपके साथ है, और हुसैन जिधर आप जा रहे थे हक जा रहा था। पुकार रहे थे हुसैन, कोई है मेरी मदद करने वाला? क्या जमाने का इनकलाब इससे कुछ और भी ज्यादा हो सकता है? क्यों मुतमईन है दुनिया, क्यों दुनिया इत्मीनान का सांस ले रही है? दुनिया ने अगर ये वाकई देखा है कि इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है कि मोहम्मद का घराना लुट सकता है, मोहम्मद का नवासा तहत तेग आ सकता है, तो ये आखिर किस बात पर नाजा बैठे हुए हैं? आखिर ये किस बात से इत्मीनान की सांस ले रहे हैं कि इनकी नस्लों पर जमाना मुतमईन गुजर जाएगा या इनकी नस्लों पर इत्मीनान का जमाना गुजरेगा? नहीं, इन इनकलाबात में हमने क्या क्या देखा और किन किन चीजों को देखा, एक मुख्तसर सा तबसरा, कलील सा वक्त रह गया है। करबला, करबला तो हमेशा याद रहेगी, मगर करबला के बाद दुनिया ने क्या देखा? देखा ये कि बगदाद में जब कोई महल तैयार होता तो सादात के खून से दीवारों को रंगीन किया जाता। दुनिया ने यह देखा कि जब कोई ईद का दिन आता तो सैयद जादे को पेश किया जाता कि आज इसकी कुर्बानी पहले हो फिर बादशाह ईद मनाए। दुनिया ने यह देखा कि बच्चे माओ से छीन लिए जाते, उनकी खता सिर्फ इतनी होती कि माँ ये कहती कि बेटे बाजार से बस इतना ला दो जाके, बच्चा घर से निकला और फिर नजर नहीं आया, और फिर कूफे के बाजार में अब वो बच्चा पाया गया और हाकिम की मर्जी पर छोड़ दिया गया कि जिस तरह से चाहे अब उस बच्चे के लिए हुक्म सादिर करे। ईद का दिन था और ऐसे ही मौके पे एक बच्चे को पेश किया गया, कहा गया कि अच्छा इसकी सजा ये है कि इसको जिंदा दीवार में चुन दो, जैसे जैसे ईंट बुलंद की जाए
दीवार बनाने के लिए उसको ईंटों के साथ उसी में दफन कर दिया जाए। बन्ना कहता है कि इस कम सिन बच्चे को, जिसका सिन बमुश्किल तमाम 8 बरस का होगा, मैं लिए हुए दीवार के करीब पहुंचा, बच्चे को खड़ा करके उसने ईंटें रखनी शुरू की, और जब गले के बराबर वो ईंटें आ गईं, उसने सिर्फ इतना कहा कि बन्ना बराबर तू वही कर जो हाकिम का हुक्म है, मगर इतना करना कि इसके बाद मदीने जाना और मदीने जाके उस महल्ले में देखना कि किस मकान से रोने की आवाज आ रही है। वहां जाके सिर्फ इतना कहना कि ऐ ज़ईफा अब न रो, तेरा बच्चा मर गया, तेरा बच्चा मर गया। वो इंतजार में जिंदगी बसर कर रही है, उससे कहना कि इंतजार न करना, कि आले मोहम्मद इसलिए रह गए थे करबला के बाद कि उनको देगों में पकाया जाए, उनको हाकिम की मर्जी पर ईद के दिन कुर्बान किया जाए, कि आले मोहम्मद